मैं नव समाचार में हूँ आपके साथ तान्या पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के आदर्श नगर के मियांवाली कॉलोनी में, जहाँ के आप पीछे के विजुअल्स देख सकते हैं कि एक दवाई की दुकान में कितनी तेज आग लगी है। यहाँ के लोगों ने बताया कि सुबह 4:30 बजे से आग लगी हुई है और कब से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां है जो वो आ रही है। तो आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं इस घटना के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आए जा रही है पर अभी तक आग पे कोई काबू नहीं पाया गया है। तो आइए हम बात करते हैं इस घटना के बारे में। सर क्या नाम है आपका? किशन मुरारी शर्मा। सर ये इसके बारे में कुछ बताइए, कब से आग लग रही है? ये सुबह 4:30 पौने 5 बजे से आग लग रही है। काफी गाड़ियां आ चुकी है बट अभी तक काबू नहीं पाया जा रहा। कुछ फायर ब्रिगेड की भी गलतियाँ है इसमें, क्योंकि शुरू में छोटियाँ गाड़ी आई थी, छोटी गाड़ियों से आग नहीं बुझ पाई। अब बड़ी गाड़ियाँ आ रही है, प्रशासन की लापरवाही और ढीलापन समझ सकते हैं इसका। आग लगने के बाद कितने देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आनी शुरू हो गई? 15 से 20 मिनट में गाड़ी आ गई। और आग किस वजह से लगी है? शॉर्ट सर्किट हुआ है या किसी और कारण से, इसके बारे में कुछ बताइए। शॉर्ट सर्किट ही बता रहे हैं लोग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। देख सकते हैं कि आग जारी अभी बुझी नहीं है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जा रही है। हमारे बीच मौजूद है मुकेश पहलवान जी, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। सर गुरुग्राम में हर दिन कहीं ना कहीं आग लग रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये लोग तो कोई ना इलेक्ट्रिक वो होगा और फिर इसका पता नहीं रात्रि में हुआ है, दोनों हादसे रात्रि में हुए हैं। तो इससे होता है की कई बार रात्रि में आप लोग काम, यहाँ तो मेडिकल स्टोर था, यहाँ तो मालिक शाम को बंद करके चले जाते हैं। सुबह 4:30 बजे का लगा हुआ है सारा का सारा। फिर भी प्रशासन पूरे उससे हम काम कर रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आग बुझे और आगे और ज्यादा थोड़ा सा फायर के प्रति भी हम सब लोग, जो सरकार भी जागरूक है, अभी बहुत बड़ी है तो आपके सामने। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि पिछले 7-8 घंटे से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई जा रही है। यहाँ की आग को बुझाने के लिए पुलिस प्रशासन लगी हुई है। तो आगे की घटना के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।